वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के बजे 5:30 और मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ना आजकल ब्लॉग कुछ बन नहीं रहे, सर्दी बहुत हो रही है तो मन भी नहीं करता है। और अभी चाय बना रही थी तो मैंने सोचा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैंने चाय बनाई थी, चाय मैं दे रही हूँ अभी भाई को निकाल के, मैंने खुद ने चाय पी ली थी। और बेटी आई उसके लिए बिस्किट वगैरह लेकर आई है तो वो उसी के साथ खाएगा। और बस मैं उसी से ही अभी बात कर रही थी बेटी के साथ कि ऊपर जाकर अपने मामा को चाय वगैरह दे, और चाय बना कर दियो। ठंड इतनी ज़्यादा, मतलब बारिश हो रही है, कल दोपहर से बारिश हो रही है। ये मैं आज का व्लॉग है, आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा। तो बारिश कल से हो रही, मतलब 2 डेज़ हो गए बारिश होते हुए। तो ना ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, ना तो व्लॉग कोई शूट कर पा रही हूँ ना कुछ भी। ठंड की वजह से जो है मतलब मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो बस यहाँ पर मैं अपनी बेटी को चाय दे रही थी कि जाकर ऊपर पकड़ाओ अपने मामू को, और वो अपने लिए चीज़ वगैरह लेकर आई थी खाने के लिए, तो बस वो उसकी मैं निकाल के रख रही हूँ। और आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ बाहर का मौसम भी। देखिए बारिश से बाहर क्या हाल हो रखा है, 2 दिन से हो रही है बारिश। तो पहले आप बाहर जो है बारिश देख लीजिए कितनी हो रही है। आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाने के लिए सुबह से क्या कल रात से ही बारिश, कल दोपहर से हुई थी स्टार्ट, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखें, और अभी भी मौसम बारिश वाला ही है। मैंने बाहर कोई क्लीनिंग नहीं की थी आज, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और कल हो रही है, दोपहर से हो रही थी बारिश, जैसे नहीं होती झड़ी सी लग जाती है वैसे, ऐसा वेदर हो रखा है। और मैंने चाय तो बना दी है और दाल है, मैंने एक साइड आज देखा दाल ही बनाऊंगी मैं, कुछ नहीं बना रही। और देखते हैं क्या करती हूँ। हेलो बेटा, और इसको मैंने यहाँ छुपा दिया, बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं आ गई हूँ चाय वगैरह देकर भाई को। अब अंदर बेटी से बात कर रही थी तो कपड़े धोए थे मैंने अभी दो दिन पहले, जब मैं अभी ब्लॉग डाला था तो मैं बोल रही थी फाइनली धूप निकली, थोड़ी बहुत धूप निकली थी तो मैंने अच्छा किया कपड़े वगैरह धो लिए, क्योंकि अभी फिर 2 दिन से बारिश हो रही है तो अच्छा है कपड़े धो लिए, नहीं तो फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता। बच्चों वाले घर में ये होता है कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चों के, तो इस वजह से मुझे धोने ही थे। तो मैं सोच रही थी नेक्स्ट डे धो लूँगी क्योंकि धूप लिखी हुई थी, इस वजह से अभी ना नेट पे बता रहे थे धूप निकलेगी, लेकिन मैंने अच्छा किया उसी दिन धो लिया। धूप तो नहीं निकली लेकिन बारिश ज़रूर हो गई रात ही को, तो इस वजह से अच्छा हुआ कि कपड़े वगैरह धो के। तो यहाँ पर पड़े हुए थे तो सूख गए थे, तो मैंने सोचा फोल्ड करके अब रख दूँ। यहाँ पे बेटी से बात कर रही थी मैं और उसकी क्लासेस वगैरह स्टडी के बारे में, और मैंने इससे बात करते करते जो कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए, और ये दोनों अपनी चीज़ खा रहे और टी वी देख रहे थे, और मैं अपनी बेटी से बातें करते सारे कपड़े वगैरह मैंने बोला फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है वो करूंगी, और बच्चों के कपड़े जो है ना सबसे मुश्किल होते हैं और ये काम जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस वजह से जो है मैं कपड़े धो देती हूँ। तो ना मुझे फोल्ड करना भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि करने ही है अभी करूँ कल भी, तो बहुत फैले हुए थे पूरे सोफे दोनों भरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं फ़ोल्ड करके एक बार रख देती हूँ। और ब्लॉग कोई नहीं बनाया है तो ब्लॉग भी बैठे बैठे मेरा जो बन जाएगा, कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया ठंड की वजह से ना, पता नहीं क्यों भी कुछ भी कोई ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ कि चलो कि यह रोज़ एक वीडियो मतलब अपलोड हो जाए, शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ पर ये ही बस चल रहा था, कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी और मैं अपनी बेटी से कर रही थी बात है। और बस आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू, मैं आप लोगों को आगे मिलती हूँ। Thank you.
तो कपड़े वगैरह तो मैंने फोल्ड करके कबर्ड में भी लगा दिए, लगे हाथ तो अभी थोड़ा सा किचन था वो मैंने सोचा क्लीन कर दूं और बर्तन वगैरह ये धो के रख दूं, फिर इसके बाद जो है मैं करूंगी सीधा रात के खाने की तैयारी, रात में खाना डिनर वगैरह बनाएंगे क्योंकि 6:30 बजे का टाइम हो चुका था। तो किचन मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन है मैंने सोचा लगे हाथ ये भी धो दूँ। तो बस मैंने जो है ये आज छोटा सा जो है जो भी है ब्लॉग बना दिया, ब्लॉग मैंने कोई नहीं शेयर किया था, बनाया ही नहीं था सुबह से कोई, तो मैंने सोचा कल क्या डालूंगी, तो इस बस अभी शाम को मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है ब्लॉग। तो बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा ये धोकर फिर खाना वाना बनाऊंगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी। मेरे सारे काम हो चुके हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।